देखिए बड़ी अच्छी एम सी क्यूज। ए सी जनरेटर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई? देखो फार्मूले से जाहिर है कि ई एम एफ बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज द ई एम एफ। फिर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ई एम एफ एंड करंट इज इंडिकेटेड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फिर व्हाट आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ ए सी जनरेटर, स्टेटर, रोटेटर या बोथ? तो ऑफकोर्स बोथ। If the coil is placed perpendicular to the field line, then the number of lines passing through coil is maximum. फिर induced EMF depends on coil resistance, flux magnitude, rate of change of flux. तो rate of change of flux, ठीक है जनाब। फिर ये एक अच्छा सा न्यूमेरिकल था AC generator का। number of turns इन्होंने 1000 दिए हैं, एरिया 3 मीटर स्क्वायर दिया है, एंगुलर वेलोसिटी 60 रेडियन पर सेकेंड दी है, रेजिस्टेंस 500, मैग्नेटिक इंडक्शन 0.04 टेस्ला, और करंट पूछ रहे हैं। पहले तो ई निकाल लेंगे हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो 7200 आ जाएगी। फिर उसको रेजिस्टेंस 500 से डिवाइड करेंगे तो करंट आ जाएगा 14.4।